दोस्तों, आज से 2400 साल पहले भारतीय स्वतंत्रता के पहले महानायक क्षत्रिय राजा पुरु पोरस, जिन्होंने विदेशी यूनानी आक्रमणकारी अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया के राष्ट्रों ईरान सहित पूरे अरब को जीत लिया था, उसे तलवार की धार से भारत की भूमि पर हराया था। ग्रीक के इतिहासकारों ने अपने राजा अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर को जीता हुआ प्रस्तुत किया, पर अगर अलेक्जेंडर ने भारतीय राजा पुरु को हराया था तो फिर अलेक्जेंडर की सेना पुरु से लड़ने के बाद भारत की भूमि से भाग क्यों खड़ी हुई? पुरु से लड़ने के बाद अलेक्जेंडर की सेना में भगदड़ क्यों मच गई? अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर को घायल अवस्था में अपने वतन ग्रीक यूनान लौटना पड़ा, रास्ते में उसकी मौत हो गई। सच्चाई यह है कि अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर ने अपने जीवन की भीख पुरु से मांगी, लेकिन ग्रीक के इतिहासकारों ने अपने अलेक्जेंडर को जीता हुआ पेश कर दिया। हम भारत के लोग प्राचीन काल से इस मामले में कमजोर साबित हुए हैं। हॉलीवुड फिल्म अलेक्जेंडर 2008 में अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर को भारतीय क्षत्रिय राजा पुरु से लड़ते हुए घोड़े से गिरते हुए दिखाया गया। उस फिल्म में पुरु को अलेक्जेंडर पर भारी दिखलाया गया है। अमेरिकन मानते हैं कि सिकंदर को क्षत्रिय राजा पुरु ने हरा दिया था, पर हम भारतीय 2400 सालों से पुरु को सिकंदर द्वारा हारे हुए योद्धा के रूप में मानते आए हैं। यही भारत का दुर्भाग्य रहा है। कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने भारतीय राजाओं को हारने वाले के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि भारत और भारतीय राजाओं को कमजोर और अप्रासंगिक कहा जा सके। धन्यवाद हो अमेरिकन हॉलीवुड रिसर्चरों का, जिन्होंने पुरु को जीते हुए दिखाकर सच बोल दिया। जो लोग बोलते हैं कि क्षत्रिय अधिकतर जंग हार जाते थे, उनको पुरु से लेकर बप्पा रावल का इतिहास पढ़ना चाहिए, जिन्होंने हजारों वर्षों तक दुनिया के हर राजाओं को हराया, जिन्होंने अलेक्जेंडर से लेकर अरब के आक्रमणकारियों को अरब तक खदेड़ा। पृथ्वीराज चौहान भी मोहम्मद गौरी से 1192 में रात्रि के समय हथियार न उठाने के कारण गौरी द्वारा छल के कारण हार गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।